भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकाल कर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने पर विचार कर रही है। हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वह शाह का उच्चारण ह करते थे, इस तरह से सिंधु का हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं का देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंदस भी था। इस नदी के किनारे विकसित इंदस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु नदी का इंदस नाम भारत आई विदेशियों ने रखा। सिंधु घाटी की सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंदस भी कहा जाता था। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो इसे बदलकर इंडिया कर दिया गया। जब अंग्रेज भारत आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि यह शब्द उन्हें बोलने में काफी परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंदस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल में इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। तो आपके विचार में कौन सा नाम सही रहेगा, भारत या फिर इंडिया? कमेंट करके जरूर बताएं।